खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रिचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात होगी पाकिस्तान से राहुल गांधी के लिए आए आम की, वक्त संशोधन विधेयक पर छिड़ी सियासी जंग की और 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर होने वाली चुनाव की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, 20 अगस्त तक बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया वक्फ विधेयक, जेडीयू ने किया समर्थन। केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने इस बिल का विरोध करते हुए जमकर हंगामा काटा। हालांकि उनकी आपत्ति को केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। बांग्लादेश पहुंचने पर भावुक हुए मोहम्मद यूनुस, आज ही लेंगे पीएम पद की शपथ। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश पहुंच गए हैं। उन्होंने लंदन से ढाका एयरपोर्ट पहुंचते ही आंदोलनकारी छात्रों से बात की। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होते ही मोहम्मद यूनुस की आंखों में आंसू देखे गए। अमन सहरावत ने धमाकेदार अंदाज में सेमीफाइनल में की एंट्री, मेडल से एक कदम दूर। भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने पुरुष 57 किलो फ्रीस्टाइल रेसलिंग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। अमन ने अल्बानिया के जैलिम खान अबरोकोव को तकरीबन 11-0 से हरा दिया है। एक दिन की राहत के बाद शेयर बाजार फिर फिसला, सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,150 के नीचे। गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। उतार चढ़ाव बढ़े कारोबार के बाद सेंसेक्स 551 अंक टूटकर 78,886 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 180 अंक गिरकर 24,117 पर बंद हुआ। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। मेरठ में हरियाली तीज के दिन ऑनर किलिंग की घटना से सनसनी फैल गई। जी हाँ, मेरठ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन की गला दबाकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि आरोपी ने इस वारदात को घर में अंजाम दिया हो। उसने 20 सड़क पर पहले 16 साल की बहन को पटक दिया और फिर गला दबाकर मार डाला। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो इसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने उस किशोरी की जान नहीं बचाई। आप भी देखिए ये वीडियो। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल नगला शेखू गांव के रहने वाले जुम्मन उर्फ शहजाद की 16 साल की बेटी अमरीशा का दूसरे समुदाय के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यहां तक कि वो कुछ दिन पहले उस युवक के साथ भाग भी गई थी। इसके बाद अमरीशा के घर वालों ने युवक पर अपहरण का केस लगाकर जेल भी भिजवाया था, लेकिन हाल ही में वो जमानत पर छूट कर आया था। उसके बाद से ही अमरीशा अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। इस बात को लेकर बीते कुछ दिनों से घर पर लगातार विवाद चल रहा था। फिलहाल खबरें अब तक में हम बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। भारत के साथ कड़वे रिश्तों के बीच पाकिस्तान से मीठे मीठे आम आने की खबर आई है। जी हाँ, इस खबर से देश भर में बवाल मच गया है। बांग्लादेश में हसीना के तख्ता पलट के बीच विपक्ष के 7 सांसदों को पाकिस्तान से आम मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। राहुल गांधी और शशि थरूर समेत 4 मुस्लिम और टोटल 7 सांसदों के घरों में आम की पेटी आखिर क्यों, हर कोई ये जानने के लिए बेकरार और बेताब है। आप खुद समझिए, एक तो आम, दूसरा पाकिस्तान और उस पर भी राहुल गांधी और 4 मुसलमान सांसदों के नाम। ऐसे में सियासी घमासान मचना तो तय था, इसलिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने इंडिया गठबंधन को घेरने में पल भर भी देरी नहीं की। अब बात सियासी गलियारों में पहले पहुंची या फिर लोगों के गली मोहल्लों तक पहले पहुंची, इससे पहले पाकिस्तान के मैंगो डिप्लोमेसी वाली इस खबर के पीछे की सच्चाई
जानने की जरूरत है, तो आइए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है या ये सिर्फ महज एक अफवाह है। एक तरफ बांग्लादेश सुलग रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए भारत के विपक्षी सांसदों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 7 भारतीय सांसदों को आम की पेटियां भिजवाई हैं। कहा जा रहा है कि एक दूसरे के प्रति रिश्तों में मधुरता के तौर पर मैंगो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल होता रहा है और मीठे मीठे आम खिलाकर विपक्षियों को रिझाया जा रहा है। दरअसल वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी, शशि थरूर और कपिल सिब्बल के अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन ने इंडिया गठबंधन के 4 मुस्लिम नेताओं को आम की पेटियां भिजवाई हैं। वहीं अब 2 सांसदों ने तो इस दावे को खारिज करते हुए सफाई भी दी है। सांसद इकरा हसन चौधरी के प्रतिनिधि ने कहा ये खबर बोगस और फेक है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकल पुलिस को तहरीर देकर जांच के लिए कहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से आम की टोकरियां आने के दावों का खंडन करते हुए कहा कि मैंने तो कभी देखा नहीं, ना ही ऐसा कुछ सुना, मुझे पाकिस्तानी हाई कमीशन की ओर से अब तक कभी कुछ नहीं मिला। ऐसे में दो सांसदों का रिएक्शन आ चुका है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस और विपक्षी दलों के भी कई सांसदों को पाकिस्तानी दूतावास ने आम भेजे हैं। गौरतलब है कि साल 2015 में पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं के बीच तत्कालीन पाक पीएम नवाज शरीफ ने मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नवाज शरीफ ने तब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आम भेजे थे। पीएम मोदी के अलावा पाकिस्तान से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी आम भेजे गए थे। दरअसल कूटनीति में आम का इस्तेमाल मधुर रिश्तों को दिखाने के लिए किया जाता है, जो पाकिस्तान शायद करने की कोशिश कर रहा है। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही संसद में संशोधन विधेयक पेश करने की बात कही, विपक्ष हमलावर हो गया। कुल मिलाकर जब से इस बिल के संसद में आने की बात और बिल का मसौदा सामने आया है, मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम नेताओं और विपक्ष में इसे लेकर खासा रोष दिखाई दे रहा है। इसकी वजह मानी जा रही है कि संशोधित बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत व हैसियत कम करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सरकार देश के वक्फ बोर्ड की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह व पारदर्शी बनाना चाहती है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला है। वहीं आज जब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में गुरुवार को पेश हुआ तो इस बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने सरकार से सवाल किया कि कुरान में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे। देखिए रिपोर्ट और जानिए आखिर कैसे वक्फ संशोधन विधेयक पर छिड़ गई है सियासी जंग। देश में वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को विधेयक पेश किया, जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसको भाजपा की तरफ से तुष्टिकरण की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है, उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इस दौरान अखिलेश ने स्पीकर के अधिकार छीने जाने की बात कही। उनकी इस बात पर गृहमंत्री अमित शाह बिफर गए और आवेश में आ गए। क्या हुआ ये देखिए। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। सपा सांसद ने कहा कि 10 साल से अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो देखकर रूह कांप जाती है। रामपुर सांसद ने कहा कि कुरान में क्या लिखा है ये आप तय करें या हम तय करेंगे, इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ऐसे कानून से मुल्क की साख को ठेस पहुँचेगी। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं।
सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाजाबता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ क्या कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर एआईआईएम सांसद असदुद्दीन वैसी ने कहा, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। यह विधेयक इस बात का प्रमाण है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुनिए, वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। बाय रिमूविंग वक्फ बाय यूजर, दिस गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर दरगाह, मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज। सर take this example of 107, you have made it more difficult to be removed. Encroachment happened. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments, and the government is, sir, khatam kar, government bol rahi hai, sir main khatam kar raha hu, sir aadha minute, government keh rahe hai ki hum mahilaon ko de rahe hain, mujhe yakeen hai ki aap Bilqis Bano ko aur Zakia Jafri ko member banayenge, mujhe yakeen hai. Main aap se janna chah raha hu sir ke ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। हालांकि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस पूरी किचकिच के बीच इस विधेयक की बारीकियों को खूब समझाने की कोशिश की। किरण रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। 1995 के वक्त एक्ट में ऐसा प्रावधान है जो सबसे ऊपर है। ये सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, ये सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए कोई कमी है तो उसे पूरा करना चाहिए। जो संशोधन बिल हम लाए हैं उसमें सारा प्रावधान है। देखा जाए तो इस बिल पर मुस्लिम समुदाय के अलावा राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध देखा जा रहा है। वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए जा रहे बिल को लेकर विवाद का सबसे बड़ा बिंदु वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड है, उनके बीच तालमेल के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में भी बदलाव किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई। देश के सभी वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8 लाख एकड़ जमीन है। साल 2009 में ये संपत्ति 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। इन जमीनों में ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान है। अचल संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक हैं। संशोधन बिल में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। ये प्रावधान अब तक नहीं था। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी राज्यसभा चुनाव की है। निर्वाचन आयोग ने बुधवार यानी 7 अगस्त को 9 राज्यों के 12 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र, असम और बिहार की 2-2 राज्यसभा सीटें और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा के 1-1 राज्यसभा सीट पर 3 सितम्बर को चुनाव होने। 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को राज्यसभा में झटका लग सकता है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को फायदा हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और ओडिशा की 1-1 और असम की 2 राज्यसभा सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है।
इन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है, जिसके चलते पार्टी का जीतना तय है। बिहार में आरजेडी और बीजेपी एक एक सीटें जीत सकती है, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा की सीटों पर चुनाव होने के आसार हैं, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी और विपक्ष दलों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते राज्यसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी एक सीट बिहार में आसानी से जीत लेगी और एक सीट महाराष्ट्र में जीत सकती है। इस तरह बीजेपी को एक सीट का लाभ मिल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश के जिन 6 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं, उन राज्यों के विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखें तो एनडीए का सियासी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी के लिए उसके सहयोगी दल ही चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में सहयोगी दलों के सहारे बीजेपी अपने नंबर बढ़ा सकती है। बीजेपी को 7 राज्यसभा सीटें जीतना तय है, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में चुनावी मुकाबला होने की उम्मीद है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि राज्यसभा चुनाव की सियासी बाजी कौन जीतता है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज राउत एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आज सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। वहीं राजस्थान के बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। वे सलूम्बर से विधायक थे। बुधवार रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। उन्होंने कोलकाता में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वो 80 साल के थे, लंबे समय से बीमार थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, जिसकी वजह से उन्हें जुलाई में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। वहीं पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया और फिर इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। वहीं जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। भूकंप के साथ ही सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई थी, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। बांग्लादेश में महीनों से सुलग रही आरक्षण और सरकार विरोधी चिंगारी सोमवार को भीषण आग के रूप में फूटी। 300 लोगों की मौत के बाद सेना भी उग्र भीड़ को संभाल नहीं पाई। नतीजतन करीब 1.5 दशक से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर देश से भागना पड़ा है। शेख हसीना भागकर फिलहाल भारत आई हैं। सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। शेख हसीना ने इंग्लैंड की सरकार से शरण मांगी है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन जारी है। अब प्रदर्शनकारियों ने देश के चीफ ऑफ जस्टिस के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने घर में मौजूद कार फर्नीचर के साथ घर का सारा सामान लूट ले गए। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोला। साथ ही काली व इस्कॉन समेत देशभर में कम से कम 4 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक डरे और सहमे हुए हैं। वहां क्या हालात बनेंगे, वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर भारत को नजर रखनी होगी। ये भी देखना है कि सरकार कैसे बनती है, उसका भारत के प्रति नजरिया कैसा होगा। नई सरकार कहीं इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा तो नहीं देगी, उसका रुख पाकिस्तान और चीन समर्थक तो नहीं होगा। भारत को अपने देश की सीमा को पूरी तरीके से बंद रखना होगा, ताकि वहां के हालात से डरे नागरिक अपने भारत में ना आ सके। हालांकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार शेख हसीना के नजदीकी और रिश्ते में बहनोई लगते हैं। उनसे उम्मीद है कि बांग्लादेश शेख हसीना के पद चिन्हों पर चलेगा, लेकिन वहां के राष्ट्रपति का रुख अभी देखना होगा। उसी रुख के आधार पर भारत को अपनी नई नीति बनानी होगी। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है।